वेलकम फ्रेंड्स, ब्लॉगर के सीरीज नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ब्लॉगर वेबसाइट पर आप आर्टिकल को कैसे पोस्ट कर सकते हैं, कैसे आर्टिकल को लिखा जाता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, तभी आप अच्छे से तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ उसकी जानकारी आपको पहले सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर हमने जो ब्लॉग क्रिएट किया है वो आज की बात ये कुछ इस तरह का है, और यहां पे हमने कोई भी आर्टिकल को नहीं लिखा है। तो चलिए सबसे पहले हम आर्टिकल लिख लेते हैं। तो आर्टिकल लिखने के लिए आपको अपने ब्लॉगर में चलना होगा। तो चलिए हम ब्लॉगर में चले आते हैं, और ब्लॉगर में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप साइन इन कर लीजिए। तो यहाँ पे ब्लॉगर में आने के बाद दोस्तों आपको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। न्यू पोस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का जो है पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पोस्ट लिखने के लिए कुछ इस तरह का ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पे आप पोस्ट का टाइटल लिख सकते हैं, क्या नाम रखना चाहते हैं उस पोस्ट का। तो आप यहाँ पे, हमने पहले से ऑलरेडी पोस्ट को वर्डपेज में लिख के रखा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप वर्डपेज में पोस्ट को लिख कर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर भी अपने आर्टिकल को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ से इतना कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से, और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमारा टाइटल हो गया। अब यहाँ पर मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं इतना दूर, और कंट्रोल सी से, और यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी वर्ड को कलर करना या बोल्ड करना तो आप कर सकते हैं। उसे कैसे करना है तो मान लीजिए मैं यहां सैमसंग आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो मैं इसे इतना दूर तक सेलेक्ट कर लेता हूं, और बोल्ड करने के लिए बी पर क्लिक कर दीजिए, यह बोल्ड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर बोल्ड हो चुका है। और मैं इसे कलर कैसे करना चाहूं, आप अगर कलर करना चाहते हैं तो इसे आप यहां से इतना सेलेक्ट कर लीजिए और ए के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, और यहां पे मैं जो भी कलर आप लेना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो ये हमारा कलर हो जाएगा, कलर हो गया। उसके बाद हम यहां पे अगर फोटो लगाना चाहते हैं कोई भी आर्टिकल में होते हैं, तो उस इमेज को आप कैसे यहाँ पर लगाएंगे, तो इमेज लगाने के लिए आपको यहाँ पे बीच में इंसर्ट इमेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको अपलोड करने के लिए का ऑप्शन मिलेगा। अपलोड यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने जो इमेज रखा हुआ हूँ मैं वो इमेज यहाँ पर निकाल लेता हूँ। तो चलिए मैं ये इमेज यहाँ पर लगा देता हूँ, और इसे ओपन पर क्लिक करके ये इमेज हमारा अपलोड हो चुका है। और अब यहाँ पे एड सेलेक्टेड पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ थोड़ी देर में जो है आपको इमेज दिख जाएगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे इमेज जो है वर्ड में सटा हुआ, तो हम इसे यहाँ पे आप क्लिक करके एक बार इंटर दबा दीजिए। यहाँ पे फिर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वो आर्टिकल, तो चलिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे कोई इमेज लगाऊंगा, तो इस पर डबल इंटर कर देता हूँ, और फिर से यहाँ पे इमेज इंसर्ट इमेज पर क्लिक कर देना है आपको, और फिर से एक चूज फाइल पर क्लिक करना है। जो भी इमेज आप लगाना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ ओपन पर क्लिक करके यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, और यहाँ पे एड सेलेक्टेड पर क्लिक कर दीजिए। जो है मैं फिर से डबल इंटर दबा देता हूँ। उसके बाद फिर से मैं जो आर्टिकल बचा हुआ है वो मैं यहाँ पे फिर से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल भी। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर कोई इमेज लगाऊंगा, फिर से डबल इंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट इमेज पर उसी तरीके से क्लिक कर देना है और इमेज को चुन लेना है।
तो अब जो है हमारा लास्ट पोस्ट बचा हुआ होगा, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फिर से कंट्रोल सी से, और यहाँ पे डबल इंटर दबा के कंट्रोल भी कर देता हूँ। तो ये हमारा चार सारा जो मैंने पोस्ट लिखा था वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब जो है आपको करना है पब्लिश, यहाँ पब्लिश पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पोस्ट जो है पब्लिश हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये पोस्ट किस तरह से आप दिख रहा है। तो यहाँ पे व्यू ब्लॉग पर क्लिक कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का जो है पोस्ट आपका दिख जाएगा। तो आप इस तरह से पर मैं अगले वीडियो में आपको ये सारा जो ऑप्शन दिख रहा होगा थीम के ऊपर में जो फालतू चीज़ें हैं इसे हटाने के लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।